मैं भी घूमूंगा, आपको भी अपने साथ घुमाऊंगा, तो पूरी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोंडा। और गोंडा में अभी लगभग सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैं कल रात 1 बजे निकला था घर से और यहाँ पहुँच गया था सुबह 5:30 पे। वहाँ 5:30 पे मैं यहाँ पहुँच गया था। एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं हम लोग स्टे किए हुए हैं। और कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, इसके बारे में आपको आगे सीरीज में पता चलता रहेगा। मैं कुछ जरूरी काम से यहाँ आया हूँ और आसपास के जिलों में भी मुझे जाना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में, जो भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं। और जब काम से आए हैं तो घूमना तो बनता ही थोड़ा बहुत। मैं भी घूमूंगा, आपको भी अपने साथ घुमाऊंगा, तो पूरी सीरीज में बने रहिएगा। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपनी गाड़ी, जिस गाड़ी से हम लोग आए हैं। हम 4 लोग आए हैं, मैं, प्रतीक भैया, अग्नि भैया और आशीष भैया, हम 4 लोग आए हैं। थोड़ा काम था, जरूरी काम था, जिस वजह से। और आसपास के जिलों में भी घूमेंगे, जो भी यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो मेक श्योर आप बने रहिएगा पूरी सीरीज पे। अगर सीरीज अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी दिखाता हूँ अभी मैं गाड़ी और फिर यहाँ से निकलते हैं तैयारी होकर, क्योंकि मैं तो पूरा रेडी हो चुका हूँ। मैं पूरा रेडी हूँ, बस आशीष भैया रेडी हो रहे हैं, बस थोड़ा सा नाश्ता पानी करके यहाँ से निकलेंगे। तो ये रही हमारी गाड़ी KUV 100, यानी KUV 100 या जो भी इसको बोलते हैं। और ये खूबसूरत सी प्रॉपर्टी जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। बाकी अभी हम लोग यहाँ से नाश्ता करके निकलते हैं और आपको साथ लेके चलते हैं। और बाकी देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, काफ़ी मुझे अच्छी लगी। और जाके जो सिनेमैटिक शॉट और लेके चलते हैं जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। फ्रॉम अयोध्या। और मैं गोंडा से निकला था ऑफिस का, सीधा मैं आया फरीदाबाद गया से वापस अयोध्या आया। अयोध्या से फिर राम मंदिर गया कि हम लोग दर्शन करने, लेकिन वहाँ पे मोबाइल्स और
बैट, जूते और मास्क, ये सब मतलब मास्क तो अलाउ था, बाकी ये सब कुछ अलाउ नहीं था। गाड़ी की चाबी, यहाँ तक भी चाबी भी नहीं ले जा सकते हैं आप। यहाँ पे लाइन लगती है, वहीं पे लॉकर्स वगैरह काफ़ी दुकानों में रखे हुए हैं, तो आप वहीं लॉकर लॉक करके रख दीजिए अपना सारा सामान, आपका सामान सुरक्षित रहेगा। बस थोड़ा हो सके तो जितना हो सके कम सामान आप लॉकर में रखिए, सारा सामान अपनी गाड़ी में डाल दीजिए और बस गाड़ी की चाबी लॉकर में रख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अंदर कुछ नहीं ले आने, इतने फ़ोन कुछ नहीं, तो वहाँ पे ना वीडियोग्राफी हो सकती है ना फोटोग्राफी। फिर वहाँ से हम लोग आए हैं होटल साकेत, एक सरकारी होटल है जो गवर्नमेंट का, पर्यटन विभाग का। यहाँ हम लोगों ने स्टे किया है और यहीं पड़ोस में हमारे बिल्कुल अयोध्या जंक्शन है, अयोध्या का रेलवे स्टेशन, और उसके लगा हुआ है काफ़ी अच्छा रूम है जैसा आप देख रहे हैं। 4 लोगों का बेड लिया था हमने, और अभी मैं सो के उठा हूँ तो मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग भी ख़त्म करना है। बाकी इस ब्लॉग में यहीं तक था, और आगे की सीरीज़ अब आगे चलते हैं, क्योंकि आगे अभी हमें मुझे पूरा पूर्वांचल, आगे की सीरीज़ में मैं आया हूँ पूरा पूर्वांचल को एक्सप्लोर करने, क्योंकि मेरा काम, जो मेरे सब बड़े भाइयों का काम है पूरे पूर्वांचल में, उनके साथ ही साथ मैं पूरा पूर्वांचल घूमूंगा और एक्सप्लोर करूंगा। तो इसलिए पूरी सीरीज़ पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, हो सके तो शेयर भी करना, और जो पार्ट अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। शायद ट्रेन की आवाज़ आ रही हो तो आई एम सॉरी। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये मेरा होटल है जहाँ मैंने स्टे किया है, और ये खड़ी हमारी गाड़ी। बाकी यहीं पे पड़ोस में रेलवे जंक्शन है, तो मेक श्योर उसका नॉइस आ रहा होगा थोड़ा बहुत, और काफ़ी अच्छी सर्विस है, आप चाहें तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। सब मेंटेनेंस है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल एकदम, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 1000 रुपीज़ का हम लोगों को रूम मिल गया था, नॉन एसी रूम था, क्योंकि एसी रूम अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। नॉन एसी रूम आपको 990 का मिलता है यहाँ पे, मतलब 1000 लगभग। बाकी कैंटीन भी यहीं पे है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये है अयोध्या जंक्शन, और सामने देख सकते हैं यहाँ पे श्री राम सीता जी की एक बड़ी सी तस्वीर भी रखी हुई है, और कलर से लिखा हुआ अयोध्या जंक्शन। की सर्विस अच्छी है, बिहेवियर बहुत अच्छा है। और वहाँ पे सामने जो आप लाइट जलते हुए देख रहे हैं वो हमारे होटल की लाइट है, और ये हमारे सामने जंक्शन है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं इसी के साथ नए ब्लॉग में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बट सीरीज पे बने जरूर रहिएगा। बाय बाय।